अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद। मैं आप देख रहे हो नवीद ऑफिशियल। आज हम पढ़ेंगे केरे ऑफ बायोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने कुछ केरे बताए थे बायोलॉजी के, आज हम उसके और भी जो केरे रहे पेशे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहले आते हैं फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? जो हम बहुत फार्मिंग करते हैं, जैसे फार्म, जैसे फिश फार्म, उसके बाद कैटल फार्म, बहुत से फार्म होते हैं जिसमें फिश फार्म होते हैं, उसमें हम मछलियां पालते हैं और उसकी जो ग्रोथ कैसे होती है, उसका खाना पीना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कैटल फार्म, उसमें हम मुर्गियां होती है, उसका हम अंडे मिलते हैं, गोश्त मिलता है। उसके बाद में इसमें पढ़ते हैं फार्मिंग। तो फार्मिंग में हम किसको पढ़ते हैं, जो इससे हमें कोई फार्म हो गया उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमल ऑफ हस्बेंड्री। उसके एनिमल में क्या क्या होते हैं, उसमें एनिमल कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे उनका आगे जान चलता है, उसके बारे में जिस हम पढ़ते हैं एनिमल के बारे में। जैसे एनिमल एनिमल कोई अच्छा सा एनिमल है, उसके अच्छी खासियत है, तो उसका एक जीन लेके हम दूसरे एनिमल में ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें से हमें उसी तरीके से उसी प्रॉपर्टीज में एक दूसरा एनिमल मिलता है। उसमें हम किस पे स्टडी करते हैं, एनिमल ऑफ हम्बेंड्री। उसके बाद आते हैं फिशराइज, जो फिश होती है, जिसे बहुत सी फिश होती है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी मीन्स के उसकी खास जो फिशराइज होती है, उसमें हम फिश की स्टडी करते हैं, जो फिश होती है उनके बारे में, जैसे फिश की क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, उसका मिकदार हो गया, उसमें कौन कौन सी खासियत है, उसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। जो फिश है वो हमारे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो हमें किससे प्रोटीन मिलते हैं, फिश से। हम फिश खाएंगे तो हमारे जो अंदर प्रोटीन होते हैं वो बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम उससे पढ़ते हैं, जैसे एक प्लांट है, उसका एक जीन हमने लिया, ये हमने एक जीन लिया प्लांट्स का, वो हमने उससे केमिकल लगा के एक जगह पर रख दिया, तो वो बढ़ना शुरू होगा। तो हम जब वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तब वो हम उससे लेकर जमीन में लगाएंगे, तो वो बढ़ाएगा मीन्स के अपनी ग्रोथ करेगा। तो उसके हम किस में स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।